हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ड्राफ्टिंग के ऊपर वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें आपको मैं कुछ गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताऊंगा जो आप सभी को ध्यान रखना है। उस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट का ड्राफ्टिंग करना है। अगर आप भी लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉयर हैं या फिर आप एक ड्राफ्टिंग करना चाह रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का, तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको गाइडलाइंस बताऊंगा। वो सारे बातें को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जो है कर सकते हैं। और इसे करने के लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा, जिसमें मैं आपको हर एक गाइडलाइंस के बारे में इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो इस वीडियो में बताऊँगा। गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्राजेज फॉर ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, डेट मीन्स यहाँ पे हम गाइडलाइंस देखेंगे जो पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्राजेस को लेकर जो ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में यूज़ किया जाता है, उस चीज़ को लेकर जितने भी ड्राफ्ट्समैन हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना है गाइडलाइंस का, और आप पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्राजेस का यूज़ कर सकते हैं। देयर कैन नॉट बी एनी क्लियर कट रूल विच कैन बी लेड डाउन एज गाइडलाइन फॉर यूजिंग द पर्टिकुलर वर्ड्स एंड phrases in the convincing. However, the draftsman must be cautious about the appropriate use of the words and should be clear of its meaning. The following rules may be prescribed for the guidance of the draftsman for using any particular word and phrase in the drafting of the documents. So guys, आप सभी को ये चीज़ का पता होना चाहिए, जो क्लियर कट रूल्स यहाँ पे दिया होता है ड्राफ्टिंग को लेकर वैसा कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला यहाँ चीज़ नहीं होता है। बट यहाँ पे कुछ जो गाइडलाइंस है जो आप सभी को ध्यान में रखते हुए उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज़ जो है कन्वेंसिंग में, डेट मीन्स जो कन्वेंसिंग किया जाता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंसिंग का मीनिंग क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे डेट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ राइट, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब किया जाता है तो उसे ही कन्वेंसिंग कह सकते हैं, डेट मीन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑफ पोसेसन। और इसकी डिटेल्स में आप जानने के लिए आप चैनल के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पर कन्वेंसिंग का वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे ड्राफ्टमैन जो होते हैं उनको कॉशन लेना पड़ता है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड, डेट मीन्स जब भी वो ड्राफ्टिंग करते हैं तो एप्रोप्रिएट वर्ड का वहाँ यूज़ करना होता है और फ्रेजेस का, ताकि जो भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हो ड्राफ्टिंग के अंदर उसका जो मीनिंग हो वो क्लियर पता चल सके, और जो भी फॉलोइंग रूल है वो प्रिस्क्राइब करते हुए ड्राफ्ट्समैन को फॉलो करना है और वो सारे प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उस ड्राफ्टिंग को, उस पर्टिकुलर वर्ड को एंड फ्रेजेस को यूज़ सकते हैं डॉक्यूमेंट का ड्राफ्टिंग करने में। नेक्स्ट, फॉर जनरल वर्ड्स रिफर टू ऑर्डिनरी डिक्शनरी फॉर एसर्टेनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और वेबस्टर डिक्शनरी और एनी अदर स्टैंडर्ड डिक्शनरी में बी रिफर्ड टू फॉर दिस पर्पस, डेट मीन्स जो जनरल वर्ड हम रिफ़र कर सकते हैं और उसे कोई भी डॉक्यूमेंट को जब हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तब उसमें जनरल वर्ड्स जो यूज़ किया जाता है डिक्शनरी, आप इस डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और वेबस्टर डिक्शनरी और एनी अदर स्टैंडर्ड डिक्शनरी को आप यूज़ कर सकते हैं उस वर्ड को यूज़ करने के लिए, जिसमें एक लीगल वर्ड और लीगल जो है वर्ड वहाँ पर जनरल वर्ड यूज़ किया जाता है जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उसमें आप जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और वेबस्टर डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं जनरल वर्ड्स के लिए। सेकेंड है, फॉर लीगल टर्म्स रिफर टू लीगल डिक्शनरी लाइक वार्टन लॉ लेक्सिकॉन और अदर डिक्शनरीज ऑफ इंग्लिश लॉ रिटन बाय इमिनेंट इंग्लिश लेक्सिग्राफर एज स्वीट कॉल बायरनी स्ट्रॉड जोविड मोजेले एंड वाइटले ऑस्बोर्न ETC. In India, Mitra's legal and commercial dictionary is quite sufficient to meet the requirement of draftsman. That means, अगर आपको legal terms use करना है और इस legal terms use करने के लिए आप जो refer कर सकते हैं वो legal dictionary के लिए, जो Wharton's law lexicon का dictionary है और other dictionaries जैसे कि English law written कब आता है dictionary, जो imminent English lexicographer के द्वारा आता है, जो स्वीट कोवेल का होता है, बायरने का होता है, स्ट्रॉड जोविट मोजेले एंड वाइटले और ऑस्बोर्न ETC, ये सब सारे जो है डिक्शनरी आप लीगल टर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इंडिया में जो है, इन इंडिया में जो है आप मित्राज लीगल एंड कमर्शियल डिक्शनरी जो है वो सफिशेंट होता है एक ड्राफ्ट्समैन के लिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए जो भी ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट का करना चाहते हैं। तो अगर इंडिया में जो है मित्राज लीगल एंड कमर्शियल डिक्शनरी जो है वो सफिशेंट है आपके ड्राफ्टिंग को लेकर। थर्ड है हमारे पास, एज फार एज पॉसिबल करेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी यूज एंड इफ नेसेसरी कैस लो वेयर सच वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन डिस्कस कुड बी क्वोटेड इन रेफरेंस, डेट मीन्स जब भी हम
मीनिंग यूज़ करते हैं, करंट मीनिंग का यूज़ करना चाहिए ड्राफ्टिंग के समय। और यह नेसेसरी होता है कि अगर उससे रिलेटेड, उस पार्ट से रिलेटेड अगर कोई केस लॉ है तो वहाँ पे अगर आप केस लॉ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा बात होते हैं, जो एक उसी से समझा जा सकता है पूरे ड्राफ्टिंग को। तो केस लॉ भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोर्ट ऐसे कोर्ट्स भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उस रेफरेंस कर सकते हैं ड्राफ्टिंग के समय। फोर्थ है, टेक्निकल वर्ड्स में बी यूज्ड आफ्टर एसर्टेनिंग देयर फुल मीनिंग इम्पोर्ट ऑफ द सेंस एंड अप्रोप्रिएट यूज वारंटेड बाय द सर्कमस्टांसेस फॉर डिराइविंग अ टेक्निकल और स्पेशल मीनिंग विथ रेफरेंस टू द कंटेस्ट। डेट मीन्स टेक्निकल वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो उनका मीनिंग होता है इम्पोर्ट कर सकते हैं कोई भी ड्राफ्टिंग में। उससे पहले जो आपका जो उसका जो मीनिंग होना चाहिए वो स्पेशल मीनिंग उसका रेफरेंस में लिखा होना चाहिए, जो कि कंटेस्ट में आपका डिस्क्राइब किया होना चाहिए, तब आप टेक्निकल जो वर्ड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है, द चॉइस ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस शुड बी मेड टू कन्वे द इंटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटर टू द रीडर्स इन द सेम सेंस ही विशेस टू डू। डेट मीन्स जो वर्ड्स है और फ्रेजेस यूज़ किया जा रहा है उस ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने में, वो भी ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने में, और जो पार्टी होते हैं डेट मीन्स जो एग्जीक्यूटर होता है उसके इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए, उसके जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो वो लिखवाना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं, उनके सेंस और उनके इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट करना है जैसा कि वो चाहते हैं। पर है, द ड्राफ्टमैन शुड ऑल्सो यूज एट टाइम्स द रिकॉग्नाइज्ड वर्क ऑफ इमिनेंट लीगल एक्सपर्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। इन मैक्सवेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस यूज ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स इज एक्सप्लेन्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द रीडर्स। नेक्स्ट है, द एबव गाइडलाइंस एक्वेंट the students of a new instance leading to the choice of appropriate word of phrases. As a matter of fact, much will depend upon the executive own skills and talents as to how they express the wishes of the company in limited word befitting to an expression of a certain event or description of facts. That means जो above मैंने जो भी guidelines इसमें 6 guidelines बताया है वो एक students को, एक law draftman को उसके ध्यान में ये भी रखना है, जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किया जा रहा है वो अप्रोप्रिएट वर्ड हो। और मैटर ये करता है इस चीज़ में, जब भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कि जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है उस ड्राफ्टिंग को, उस डॉक्यूमेंट को जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है, उनके अपना एक स्किल्स होते हैं, टैलेंट होता है कि वो कैसे एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करे अपने कंपनी, डेट मीन्स अपने कंपनी या फिर अपने क्लाइंट के जो भी विश है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट वर्ड में। जितना शॉर्ट वर्ड में आप उस चीज़ को, अपने जो भी इंटेंशन है उस चीज़ को आप डिस्क्राइब करते हैं एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, तो वो आपका एक तरीके से आपका स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और एक तरीके से आपके टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और इसमें जो 6 पॉइंट्स मैंने बताया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट्समैन को, एक लॉ स्टूडेंट को ड्राफ्टिंग करना चाहिए डॉक्यूमेंट का। और इसके ऊपर मैंने और भी वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो आपको ड्राफ्टिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ रूल्स भी बताया है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें कुछ जो भी पॉइंट आउट मैंने किया था वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको चैनल के ऊपर उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाइए और वो सब सारे वीडियो आप भी देख सकते हैं। और अगर आप भी एक लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉयर है या फिर एक आम एडमिन स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉयर के लिए जो भी है उनको लॉ वैकेंसी से रिलेटेड सारा अपडेट टाइम टू टाइम दिया जाता है। जो भी लॉ स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो भी लॉ से रिलेटेड लाया जाता है, और साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं जो हर एक पर्सन को जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, एंड अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर करें एंड सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच for watching this video.